हेलो फ्रेंड्स इन दिस वीडियो वी विल रीड चैप्टर नंबर टू ऑफ इंग्लिश क्लास नाइन बुक बी हाइव बी हाइव बुक का चैप्टर नंबर टू इंग्लिश हम पढ़ेंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक ठीक है इस चैप्टर में बेसिकली दो पार्ट हैं फर्स्ट पार्ट इज़ अबाउट एवलिन ग्लेनी एंड सेकेंड वन इज़ ऑफ बिस्मिल्ला खां ओके एवलिन ग्लेनी वॉज अ गर्ल वो एक लड़की थी जो सुन नहीं सकती थी ओके शी वॉज डेफ बट स्टिल शी वॉज़ क्वाइट इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक एंड साउंड ओके वो फिर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी म्यूजिक वगैरह में वो सुन नहीं सकती थी फिर भी ठीक है वो जस्ट उसको फील करती थी ठीक uh, है इसके बाद जो सेकेंड है आपका चैप्टर सेकेंड इसका जो पार्ट है वो है द फ्लूट ऑफ बिस्मिल्ला खां बिमिल्ला खां की जो शहनाई थी ना uh, उसके बारे में है ओके okay? तो लेट स्टार्ट दिस चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक एवलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हेरिंग इट बिना सुने ही वो साउंड को सुनती थी ओके रश आर क्राउड जॉसल फोर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म कह रहे हैं कि एक बड़ी क्या होता है कोई ट्रेन का प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे भीड़ भीड़ इकट्ठी हो जाती है ठीक है रश आर क्राउड एकदम से भीड़ भाग रही है कहीं पर एक एक साइड अस्लाइड गर्ल लुकिंग यंगर देन हर सेवनटीन ईयर्स वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन एक वहाँ पर लड़की थी स्लाइड गर्ल स्लाइड मीन्स बहुत ज़्यादा मोटे नहीं मतलब बहुत ही पतले सी कमज़ोर सी थे गर्ल ओके स्लाइड गर्ल लुकिंग यंगर देन हर सेवनटीन ईयर्स कितना लकड़ी थी लगभग वो सेवनटीन ईयर्स की लकड़ी थी वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज यू फेल द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन वो नर्वस थी नर्वस थी बहुत टेंशन में थी कहीं जा रही होगी और उस वो सुन नहीं सकती थी लेकिन फिर भी वो आ रही जो ट्रेन आ रही थी उसको वाइब्रेट उसकी वाइब्रेशन को फील कर पा रही थी ओके इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रिस्टीजियस रोयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीडेंजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश वहाँ कह रहे कि ये उसका पहला दिन था वो कहाँ जा रही थी उसका रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंडन के अंदर उसका फर्स्ट दिन था ओके और वो किसी भी टीनेजर के लिए डोंटिंग इनफ डटिंग इनफ मीन्स बहुत डरावना डरावना भी हो सकते हैं आप बहुत ज़्यादा घबराने वाला बहुत ही ज़्यादा नर्वस था ठीक है क्योंकि वो स्कॉटिश फार्म में अब तक स्कॉटिश फार्म एक आप समझ सकते हो नॉर्मली वो घर में प्रैक्टिस कर रही थी इसके बाद उसका ये अकेडमी में अकेडमी ऑफ म्यूजिक में फर्स्ट दिन था ठीक है इसलिए वो नर्वस थी बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दर मोस्ट शी वो प्रोफाउंडली डेम लेकिन ये जो स्पाइस इंस्पायरिंग म्यूजिशियन थी ये लड़की थी इसने ज़्यादा बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया क्या क्योंकि वो डेफ भी थी वो सुन नहीं सकती थी कैन यू बिलीव अ डेफ पर्सन इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक ओके एवलिन ग्लैन इज लॉस ऑफ हेरिंग हैड बीन ग्रेजुअल एवलिन ग्लैन ने एकदम से अपनी हेयरिंग की पावर नहीं खोई थी धीरे 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 गई थी ठीक है हर मदर रिमेम्बर नोटिस नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वैन द एट ओल्ड एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो उसकी मदर ने धीरे धीरे नोटिस करना स्टार्ट किया ठीक है जब वो आठ साल की थी तो एवलिन uh, क्या था पियानो बजाने के लिए वेट कर रही थी दे कॉल हर नेम एंड शी डिडन्ट मूव एवलिन के पेरेंट्स ने उसको बुलाया लेकिन उसने मूव नहीं किया वो नहीं आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड हर्ड मुझे लगा कि उसने नहीं सुना होगा सेबिल ग्लैनी कौन बोलती है ये इसाबेल ग्लेनी आई थिंक शी इज हर मदर उसकी मदर बोलती हैं कि शायद उसने सुना नहीं होगा फॉर क्वाइट अवाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स धीरे धीरे एवलिन की ये जो डेफनेस थी ये जो बहरापन था ये उसके फ्रेंड टीचर्स तक भी पहुंच गया बट बाय द टाइम शी वॉज इलेवन हर मार्क्स हैड डिटेरियोटेड एंड हर हेडमिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स तब क्या हुआ जब वो 11 साल की हुई उसके मार्क्स धीरे दीर धीरे कम होने शुरू हो गए ओके हेडमिस्ट्रेस मीन्स जो uh, सबसे ज़्यादा जो सीनियर होता है अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट उन्होंने क्या बोला हेडमिस्ट्रेस ने क्या बोला कि उसको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाए किसी डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोला इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हेयरिंग वॉज सिवियरली इंपेयर एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज क्या पता चला कि उसकी जो हेयरिंग पावर है सुनने की जो पावर है वो धीरे धीरे इम्पेयर हो गई है ख़राब हो गई है कैसे धीरे धीरे कोई नर्व वहाँ पे डैमेज हो गई है ग्रेजुअल नर्व डैमेज धीरे धीरे कोई नर्व डैमेज हो गई है दे वर एडवाइस दैट शी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ उन्हें क्या बोला गया कि जैसे कान के अंदर कुछ हेयरिंग एड्स लगाते हैं सो दैट अ पर्सन के लिसन ओके लगाते हैं और उन्होंने सोचा कि अब वो स्कूल जा सकेगी एवरीथिंग सडनली लुक बैक सेज़ एवलिन लुक ब्लैक एवलिन ने बोला कि एकदम से अंधेरा आ गया मतलब ऐसे एकदम से किसी को पता चलता है कि अभी वो उसकी हेयरिंग पावर में कुछ एम्पेयरमेंट है कुछ वीकनेस है तो उस उसके सब सबके सबको एकदम से ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया ओके okay. तो एवलिन ने कहा कि सब कुछ एकदम से काला पड़ गया सब कुछ एकदम से बहुत ही ज़्यादा डरावना हो गया बट एवलिन वोज़ नॉट गोइंग टू गिव अप लेकिन एवलिन यहाँ हार मानने वाली नहीं थी शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक उसने अपनी लाइफ को नॉर्मली दिया और अपना जो इंटरेस्ट था म्यूजिक में उसको कॉन्टिन्यू रखा वन डे शी नोटिस अर गर्ल प्लेइंग अलो फोन एंड डिस शी वॉन्ट टू प्ले इट टू एक दिन उसने देखा कि एक गर्ल एक लड़की जायलो फोन बजा रही थी तो उसने सोचा कि वो भी बजाना चाहती है जाइलोफोन क्या होता है एक वुडन इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके से इस इसके इस, अंदर दो स्टिक्स होती है इसकी हेल्प से इसको बजाते हैं मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज हर बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब स्पॉटेड हर पोटेंशियल बहुत सारे टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया कि तुम रहने दो तुम नहीं कर पाओगी लेकिन उसके परक्यूशनिस्ट कौन थे रॉन फॉर्ड परक्यूशनिस्ट मीन्स जो उसको म्यूजिक सिखाते हैं ओके okay? उसके परक्शनस्ट रॉन फॉप्स ने उसकी पोटेंशियल उसकी हिम्मत को देखा उसके उसको समझा और फिर उसको सपोर्ट किया देन ही बिगिन टू ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स उसने क्या किया दो लार्ज ड्रम्स लिए उन्हें अलग अलग नोट्स बजाने स्टार्ट किए ठीक है दो लार्ज ड्रम्स में ट्यून करना स्टार्ट किया डोंट लिसन थ्रू योर इयर्स ही वुड से ट्राई टू सेंस इट अदर वे ठीक है सीज एवलिन Uh, इसके बाद क्या होता है वो जो इसका परक्यूशनस था वो कहते हैं कि उसको तुम ईयर से सुनने का ट्राई मत करो उसको किसी और वे से, से सेंस करने का कर ट्राई करो ठीक है ये परक्यूशनेस ने कहा सेज एवलिन सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हाई ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन उसके बाद एवलिन कहती है मैंने नोटिस किया मैं हाई ड्रम अगर जो हाई ड्रम बज रहा है हायर वाली बीट बज रही है उसको वेस्ट अप उसके बॉडी के अंदर कुछ चेंज आ रहे थे बॉडी के अंदर कुछ वाइब्रेशंस uh, आ रहे थे ओके वेस्ट अप मीन्स हाई ड्रम और जो लोअर लोअर ड्रम था उसे वेस्ट डाउन से वो फील कर पा रही थी फॉप्स रिपीटेड द एक्सरसाइज फॉप्स ने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया एंड सून एवलिन डिस्कवर डेट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी और जल्दी ही एवलिन ने देखा एवलिन ने नोटिस किया कि वो अलग अलग नोट्स को सेंस uh, कर पा रही है अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से आई हैव लर्न टू अपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन एलिन कहती है कि मुझे अपने माइंड को और बॉडी को साउंड और वाइब्रेशन के लिए खोलना सीखना पड़ेगा द रेस्ट वो शेयर डिटर्मिनेशन इन हार्ड वर्क और जो बचेगा वो मेरा हार्ड वर्क होगा और मेरा डिटर्मिनेशन होगा ओके शी ने लुक बैक फ्रॉम देट पॉइंट ऑनवर्ड्स उसके बाद उसने कभी पीछे नहीं देखा शी टूर द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्चेस्ट्रा एंड बाई द टाइम शी वो सिक्सटीन उसने जब वो सिक्सटीन इयर्स की थी तो उसने वो यूनाइटेड किंगडम में गई एक यूथ और के साथ ठीक है शी एड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ उसने सोचा कि वो म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बनाएगी शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ़ म्यूज़िक एंड स्कोर वन ऑफ़ द हाइस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी उसने रॉयल अकेडमी ऑफ़ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन दिया और उस अकेडमी की हिस्ट्री में जो हाइस्ट मार्क्स होते हैं उतने मार्क्स उसने स्कोर किए ठीक है देके? शी ग्रेजुअली मूव from orchestral वर्क टू सोलो performances. ऑर्चेस्ट्रा में काम करना मीन एक ग्रुप वर्क जब बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं एक गा रहा है एक ड्रम बजा रहा है एक बीट दे रहा है ओके इसको बोलते हैं औरचेस्ट्रल वर्क उसके बाद पहले वो ऑर्चेस्ट्रा में काम करती थी धीरे धीरे ऑर्चेस्ट्रल वर्क के बाद वो सोलो परफॉर्मेंसेज देने लगी एट द एंड ऑफ हर थ्री ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स जैसे उसके थ्री ईयर का कोर्स ख़त्म होता है उसने बहुत से टॉप अवार्ड्स भी जीते ओके नेक्स्ट इज एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट और फिर इसके बाद भी एवलिन ने अपने इस अचीवमेंट को ऐसे नहीं समझा कि बहुत बड़ा काम किया उसने बहुत हीरो अचीवमेंट उसको नहीं समझा इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वे आर यूर गोइंग यू विल गेट देयर उस एवलिन ने बोला कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है तो आप वहाँ चले जाओगे पहुँच जाओगे एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट सोट आफ्टर मल्टी प्रकैशनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल और उसने और उसने वो एक्सेप्ट भी किया वो हासिल भी किया क्या हासिल किया वर्ल्ड का सबसे सोट आफ्टर मल्टी प्रकैशनस्ट प्रक्यूशनिस्ट वो बनी विद द मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रोमेंट जिसके पास में लगभग हज़ारों इंस्ट्रोमेंट्स की मास्ट्री थी और हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल और फिर वो बहुत ही ज़्यादा फॉरन टूर्स पे जाती थी बहुत हेक्टिक उसका हेक्टिक means बहुत बिजी शेड्यूल उसका रहता था इट इज़ इंटरीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग इंटरीग्यूइंग मीन्स इंटरेस्टिंग बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प जिसको बोल सकते हो ठीक है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि हम एवलिन के फंक्शन को आ, बिना एफर्ट के बिना आ, सुने हम उसको इन्जॉय करें उसके फंक्शन को इन अवर टू आर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड हमारे दो घंटे के लगभग डिस्कशन में वो एक वर्ड भी नहीं छोड़ती थी सब समझती थी मैन विद बुशी बियर्ड्स गेव मी ट्रबल शी लाफ्ट उसने बोला कि ऐसे मैन बुशी बियर्ड्स मीन्स बड़े बड़े जिनके बियर्ड्स होते हैं उनसे मुझे दिक्कत होती है उसने हंसा ठीक है इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज शी फी speaks flawlessly with a scottish lilt तो कहती है कि क्या देखना है हमें लिप्स थोड़ी देखने हैं सिर्फ लिप्स नहीं हमें पूरा फेस देखना होता है स्पेशली क्या देखना होता है आइज देखनी होती है तो ये सब वो फ्लॉलेसली बोल रही है बिना किसी मिस्टेक के एकदम फ्रीक्वेंटली uh, बोल रही है स्कॉटिश लिल्ट स्कॉटिश लिल्ट मीन्स ये एक बोलने का एक्सेंट है ठीक है वो इस इस लहजे में बोल रही है माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज इलेवन मेरी जो मैं बोल रही हूँ ये क्लियर है क्योंकि मैंने जब मैं ग्यारह साल की थी तब तक मैंने सुना है उसके बाद मैंने सुन पाई जब लेकिन जब तक मैं ग्यारह की थी तब तक तो सुना है मैंने शी सेज़ वो कहती है बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच इन मास्टर बेसिक जैपनीज़ लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि उसने कैसे फ्रेंच और जैपनीज सीखी एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन इट पोर्स इन थ्रू माई एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी ये मेरी बॉडी के अंदर आता है म्यूजिक इट टिंगल्स इन माय स्किन ये मेरी स्किन के अंदर एक सेंसेशन प्रोड्यूस करता है माय चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर्स मेरी चीक बोन्स के अंदर करता है मेरे हेयर के अंदर करता है व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स जब वो जाइलोफोन बजाती है तो उसके अंदर जो वाइब्रेशन होते हैं वो अपने फिंगर्स में वो फील कर पाती है माई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स Uh, she can feel the resonances flowing into her body. बॉडी ये ये drums के अंदर ये जो बजाती थी इसके जो vibrations थे उसके भी vibrations उसके body के अंदर जाते थे On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration पास through her bare feet and upper legs. कोई अगर वुडन प्लेटफॉर्म होता था तो अपने शूज़ निकाल देती थी ताकि जो vibrations हैं, उसके पैर से होकर उसके बॉडी तक चले जाए ठीक है उसके बाद है नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिनाइट्स हर ऑडियंसिस ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग नहीं था एवलिन अपने ऑडियंसिस को बहुत खुश कर देती थी नाइनटीन नाइन्टी वन में शी वॉज प्रजेंटेड विद द रॉयल फील्ड हारमोनिक सोसाइटी प्रस्टिजियस सोलोएस्ट ऑफ द एयर अवार्ड नाइन्टीन नाइन्टी वन में उसको क्या मिला रॉयल फील्ड हारमोनिक सोसाइटी इज प्रस्टिजियस सोलोएस्ट ऑफ द एयर अवार्ड ये कोई सोसाइटी होती होगी ओके okay, ओके okay, ये कोई सोसाइटी थी इसके अंदर सोलोइस्ट ऑफ द ईयर मींस जो सोलो परफॉर्मेंसेस देते हैं उसका एक उसको अवार्ड मिला था सेज़ मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओके यहाँ पे एक परक्यूशनिस्ट थे जेम्स ब्लेड्स ओके वो क्या कहते हैं कि भले ही भगवान ने उसका हियरिंग तो ले लिया लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा दे भी दिया वट वी हेयर शी फील्स जो हम सुनते हैं वो फील करती है फार मोर डीपली देन एनी ऑफर्स और ये हम सब नहीं कर सकते हमसे बहुत ही आगे है वो दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुल इसलिए वो म्यूज़िक को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुली एक्सप्रेस कर पाती है एवलिन कन्फेसेज दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कोहलिक एवलिन ने बताया कि एवलिन ने अपने बारे में बताया कि वो वर्कोहलिक है वर्काहलिक मीन्स जो काम छोड़ता नहीं है रुकता नहीं है चलता जाता है आई हैव जस्ट टू गो वर्क आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क मुझे सिर्फ काम करना है ऑफ़न हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं उनसे भी हार्ड काम करना है बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस और जो मुझे रिवॉर्ड्स uh, मिलेंगे उनके बदले में वो बताती है कि मुझे बस काम करना है मुझे उसके बदले में जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो भी बहुत बड़े मिलेंगे इनॉर्मल मीन्स बहुत ही ज़्यादा ग्रेट मिलेंगे अपार्ट फ्राम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स एवलिनि फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स ये जो इसके रेगुलर कॉन्सर्ट के अलावा भी वो प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में फ्री कॉन्सर्ट भी देती थी शी ऑल्सो गिवस हाई प्रायरिटी टू क्लासेज फॉर यंग म्यूजिशियंस वो यंग म्यूजिशियंस को क्लासेज भी देती थी एंड द चिल ऑफ द बिदोवन फन फॉर डेफ चिल्ड्रंज शी इज़ अग इंस्परेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन वो डेफ बच्चों के लिए फ़ंड भी देती थी पैसा भी देती थी और फिर लोग कहते थे कि वो डेफ़ चिल्ड्रन के लिए एक शाइनिंग इंस्परेशन है दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो वो बोलते थे कि अब वो एक ऐसी जगह है कि अब बाकी लोग नहीं पहुंच सकते हैं वहाँ तक एवरिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी एक्म्पलिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज एवलिन ग्लैनी ने अपनी ऐज से ट्वाइस के लोग अपनी ऐज से डबल लोगों से भी ज़्यादा एकम्पलिश मतलब के हासिल कर लिया था शी हैज़ ब्रॉड परक्यूजन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा एंड डेमोस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग वो सामने वाले ऑर्केस्ट्रा को टक्कर भी देती थी परक्यूजन मीन्स टक्कर देना ठीक है सामने वाले ऑर्केस्ट्रा को कंपेयर भी करती थी एंड डेमोन्स्ट्रेटेड डेट इट कैन बी वेरी मूविंग और बताती थी कि अब वो चल रहा है अब वो रुक गया है फिर सामने वाले को देख के बता सकती थी शी हैज़ गिवन इंस्परेशन टू दोज हुर हैंडी कैप पीपल हु लुक टू हर वो जो थी एवलिन ग्लैनी वो हैंडी कैप लोगों के लिए एक इंस्परेशन थी और लोग उसको देखते थे और कहते थे इफ़ शी कैन डू इट आई कैन अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन ए प्लेजर टू मिलियंस और इसके अलावा उसने इसके अलावा उसने बहुत से मिलियंस लोगों को बहुत ही ज़्यादा आनंद भी दिया है ओके okay? लोगों को एंटरटेन भी किया है तो इट वॉज़ द स्टोरी ऑफ एवली ग्लैनी इट इन नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी द स्टोरी ऑफ शे नाई ऑफ बसमिल्ला खान ओके इट वॉज़ रिटन बाय डीबोरा कोवली इसके ऑथर कौन हैं डीबोरा कोवले इफ़ यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच सब्सक्राइब माई चैनल and like it. Thank you.